अस्सलाम वालेकुम क्लास वालेकुम सलाम मैम ओके सबसे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्विज़ के हवाले से क्विज़ जो आप लोगों ने अटेम्प्ट किया था टाइट्रेशन का उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी टेक्निकली या कंटेंट वाइज yes no ma'am okay अपलोड आसानी आसानी से हो गया था कोई लाइक जब आप लोगों ने उसको ओपन किया था तो सारे क्वेश्चंस एक ही पेज पर आ रहे थे यस मैम एक ही पेज पे आ रहे थे यस मैम ठीक है और जो जैसे लेक्चर्स थे उसके कंटेंट को लेके और एम uh, का जो कंटेंट था उसमें आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो कुछ आपको आउट ऑफ द सिलेबस लगा हो नो मैम ठीक है बेसिकली uh, इसको इसको कंडक्ट करने का जो मेन पर्पज़ था मेरा वो ये था कि आपको आइडिया हो जाए कि जो लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं उससे आपने पढ़ना किस तरह से ठीक है जो uh, एक हमने एम सी क्यू का इस तरह से सेशन कर लिया है और एक प्रीवियस जो हमने इंटरक्टिव सेशन किया था उसमें मैंने आपसे डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे थे टॉपिक्स इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस को लेके जिससे आपको ये आइडिया होगा कि मैं एग्जाम में आपसे शॉर्ट आंसर्स किस तरह के पूछ सकती हूँ उसमें डिफ्रेंसिस भी हो सकते हैं रीजनिंग क्वेश्चन भी हो सकते हैं और नोमरिकल्स भी होंगे ठीक है तीन चीजें आपके सब्जेक्टिव uh, पेपर का जरूर पार्ट होंगी तो मेक श्योर sure के आप जब चीज़ों को पढ़ने बैठे लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी नहीं होंगे मैक्सिमम uh, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन uh, है तो वो टू या थ्री मार्क्स से ज़्यादा का नहीं होगा ठीक है तो आप जब अपनी प्रिपरेशन करें तो वो इसी हिसाब से करें कि जो अगर जिसमें पॉइंट वाइज अगर कोई चीज़ आपको एक्सप्लेन की गई है कि फॉर एग्जांपल एक इंस्ट्रूमेंट है उसमें ये ये कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं तो उस कंपोनेंट्स के आपसे जस्ट नाम पूछे जा सकते हैं या आपसे किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का फंक्शन पूछा जा सकता है या अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट में कोई लिमिटेशन बताई गई है वो आपसे पूछी जा सकती है ठीक है तो अपना जो जब आप लेक्चर से पढ़ रहे होंगे तो उसको आप इसी तरह से फोकस कीजिएगा ताकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको हेल्प करे ठीक है अच्छा अब इंटरेक्टिव सेशन बेसिकली रखने का मकसद यही था कि अगर आपको आ, कोई क्वेश्चन पूछना हो अब तक के जो मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं तो पहले आप लोग अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लें अदरवाइज फिर मैं चीजें डिस्कस करूंगी कुछ मैम पॉलिनोग्राफी में स्टेटेड मरकरी ड्रॉप इलेक्ट्रोड था एसएमडी उसका एक एडवांटेज ये था कि वो मरकरी जो है ना सॉल्यूशन का पार्ट नहीं बन रही होती मैम ये समझा देंगे कैसे अच्छा 1 मिनट मैं इसको खोल लेती हूँ ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सके yes, Um, एक मैंने आपको बुक में से चैप्टर दिया था ये प्लेग्राफी का इसमें एक बुक थी चैप्टर नंबर थर्टीन था उसका okay. अलग से आपने उसका उसकाउन डाला okay. अच्छा वैसे ये मुझे वाला मिलने रहा आई थिंक मैंने कहीं और सेव कर दिया है आपने से किसी के पास है ये वाला इस वक्त ओपन हुआ, हुआ इसको मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ देखिए बेसिकली हमारे पास दो तरह की ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड और ये स्टैटिक मर्की इलेक्ट्रोड ठीक है ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड में क्या हो रहा होता है उसमें हम एक फ्लो रेट सेट कर देते हैं और ड्यू टू द ग्रेविटी और जो हमने जितना अपर्चर उसका खोला होता है जितना होल में हमने स्पेस दी होती है उसके हिसाब से टाइमली एक एक ड्रॉप मर्करी का ड्रॉप हो रहा होता है ठीक है स्टैटिक मर्करी इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि हम इस तरह हम सिर्फ उतना होल को ओपन करते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो उसकी होल्डिंग फोर्स है होल की वो दोनों बिल्कुल इक्वल हो जिसकी वजह से जो ड्रॉप है वो बाहर तो निकले कैपिलरी से लेकिन वो सोल्यूशन में एड ना हो ठीक है वो एक सर्कुलर फॉर्म में सोल्यूशन का पार्ट बना रहे जैसे ऐसा होता है आप कोई जैसे ब्यूरेट में आप हाँ ये करते हैं ये ब्यूरेट में भी जब आपका कोई जो लास्ट ड्रॉप होता है अगर आप उसको प्रॉपरली बंद ना करें बिल्कुल थोड़ी सी वो खुली भी हो और उस ग्रेविटेशन फोर्स उसकी बैलेंस हो जाए तो वो ड्रॉप नीचे गिरने के बजाय वो वहीं पे हैंग रह जाता है ठीक है आपने ये चीज नोटिस की होगी कभी भी में। तो मैम yes, स्टैटिक मर्करी इलेक्ट्रोड में भी बिल्कुल इसी तरह से होता है कि हम उसमें हम ऐसा करते हैं कि मर्करी को सिर्फ उतनी ही फोर्स देते हैं कि वो वहां पे अपनी जगह स्टैटिक रहे वहां से मूव ना हो तो बेसिकली ये उसका और उसका रीजन यही होता है कि वो उसका पार्ट ना बने उसमें डिसएडवांटेज ये होता है कि वो सेम सरफेस के ऊपर ही सारा प्रोसेस हो रहा है, तो uh, uh, है वो आफ्टर सम टाइम वो जो सरफेस है वो एक्सपायर हो जाती है ठीक है और रिन्यू uh, ना होने की वजह से आप जब तक उस ड्रॉप को वहां से रिमूव इवेंचुअली आपको वो ड्रॉप वहां से रिमूव करना पड़ता है जब आप नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे वो तो ड्रॉप आपको वहां से रिमूव करना पड़ेगा बट ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट दैट मर्की ड्रॉप रिमेन्स अच्छा और कोई क्वेश्चंस थर्मो एनालिटिकल मेथड्स के हवाले से कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों के मैम रेडियो एक्टिव डिके में आपने कल एक वो बताए थे कंडीशन जो थी कि द रेगुलरिटी इन द नंबर ऑफ एटम्स डिकेइंग पर यूनिट ऑफ टाइम प्रोवाइड देर आर लार्ज नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स इन द सैंपल तो ये समझा दें समझ नहीं आई ये लाइन अच्छा एक मिनट ओके okay. Uh, जो रेडियो एक्टिव डिके होता है अगर हमारे पास एक सैंपल है और उसके अंदर सपोज हंड्रेड मॉलिक्यूल्स हैं जो रेडियो एक्टिव डिके जिसमें हो सकता है ठीक है अच्छा अब हमने जो अब तक रेडियो एक्टिव डिके के जो रेट्स देखे हैं दे आर अलॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स आर डिकेंग इन अ सेकेंड ठीक है एक सेकेंड में आपके बहुत सारे मॉलिक्यूल डिके हो रहे होते हैं तो अगर उसके अंदर नंबर ऑफ डिकेइंग मॉलिक्यूल्स जो है वो कम होंगे तो वो विद इन सेकेंड आपका वो मॉलिक्यूल डिके हो जाएगा उसमें फर्दर रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं रहेगी ठीक है लेकिन अगर उसके अंदर बहुत लार्ज नंबर ऑफ डिकेइंग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो वो काफी लार्ज नंबर ऑफ टाइम पे वो एक ही रेट से डिके होते रहेंगे जो जो भी उसका रेट है पर सेकेंड के हिसाब से ठीक है तो बेसिकली अगर उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं होंगे तो वो डिकेइंग मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा जल्दी कंज्यूम हो जाएंगे जिसकी वजह से उसका रेट जो है वो रेगुलर नहीं रहेगा और उसका रेट सिर्फ उसी सूरत में रेगुलर रह सकता है जब उसके अंदर ऑफ डिकेइंग मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा लार्ज हो आप समझ में आ रही है वाली बात कि क्या उसका है? Yes, okay. अच्छा रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिविटी वाला जो हमने भी डिस्कस किया था उसके लिए एक एक बस आपका लास्ट लेक्चर रह गया रेडियो इम्यूनो एसे का उसको मैं होपफुली इंशाल्लाह आज अपलोड कर दूंगी तो वो आ, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीक में इसका एक और सेशन में रख लूंगी उसमें आप ये और डिस्कस कर लीजिएगा अभी जो आज हमारा मोस्ट फोकस है वो है थर्मोएनलिटिकल मेथड्स पे थर्मोएनलिटिकल मेथड्स के हवाले से अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आज मैम आपने बोलिए मैम आपने डायनेमिक एयर फर्नेस में बताया था कि हम गैस कंटिन्यूसली उसको रिप्लेस करेंगे नाइट्रोजन गैस से तो मैम हम क्या उसमें अलग सा... नाइट्रोजन का अलग सिलेंडर लगाएंगे उसके साथ हाँ बिल्कुल नाइट्रोजन कहाँ से आएगी आ, नाइट्रोजन का सिलेंडर अलग से उसमें लगेगा जैसे आपने कभी एनएमआर का पैटर्स देखा है किसी विजिट वगैरह yes. में कहीं पे

और एक डायनामिक अच्छा टू या थ्री जो हमारे पास थर्मो मेथड्स मेथड है ना उनकी जो टाइप्स हैं जो वो हाँ, बहुत सारी टाइप्स हैं आप उसमें इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि ये टू हैं या थ्री हैं लेकिन आ, जैसे विद इन थर्मो जो हमने मेजर डिस्कस की थी वो हमने चार टाइप्स डिस्कस की थी जो थर्मो मेथड्स हैं सबसे पहले आपने टीजीए डिस्कस किया था

फर्नेस एटमॉस्फेयर की टू टाइप्स एक ही स्टैटिक एयर फर्नेस एटमॉस्फेयर और एक डायनेमिक दो ही बताएं थी हाँ दो ही थी स्टैटिक और डायनेमिक ही थी यही पूछ रही थी मैम ये वाला ना है? अच्छा अच्छा इसके हवाले से एक क्वेश्चन मेरा और है आप लोगों से डायनेमिक थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में मैंने आपको बताया है कि सैंपल को हम कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे होते हैं विद लीनियर विद टाइम और uh, जो थर्मोग्र डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस है उसमें भी हम यही कर रहे होते हैं कि हम स्लोली uh, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे होते हैं लीनियर विथ टाइम तो वट इज द डिफरेंस बिटवीन डायनामिक थर्मोग्रामोमेट्रिक एनालिसिस एंड डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस मैम डायनामिक में हम परसेंटेज वेट लॉस चेक कर रहे होते हैं mm -hmm. और डिफरेंशियल में हम of, जो है डिफरेंस ऑफ जो है ना सैंपल और रेफरेंस का वो चेक कर रहे होते हैं ठीक है जो इसके अंदर बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि डायनामिक थर्मोग्राफोमेट्रिक एनालिसिस में आप जो भी पैरामीटर जरूरी नहीं कि आप सिर्फ इसमें परसेंट वेट लॉस चेक कर रहे हो आप इसमें और भी डिफरेंट

सिर्फ आप सैंपल के पैरामीटर्स नोट डाउन करते हैं और डिफरेंशियल डिफरेंशियल एनालिसिस द नेम इंडिकेट्स है उसको कंपेयर कर रहे हैं किसी इनर्ट रेफरेंस मटेरियल से ठीक है तो इसमें जो मेन जो डिफरेंस है ना डायनामिक टीजीए और डी टी ए इज द प्रेजेंस ऑफ अ रेफरेंस मटेरियल ठीक है क्लियर है यस मैम। ओके। अच्छा एक और डिफरेंस मुझे हीट फ्लक्स डीएससी और पावर कंपेंसेशन डीएससी में क्या डिफरेंस होता है सबसे पहले डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री क्या होती है एनीवन uh, अच्छा एक चीज़ और कर दें जिस तरह से आपने कल अपनी अटेंडेंस मार्क की थी उसी तरह से आज भी आप चैट में अपने नाम रोल नंबर लिख के चैट में उसको सेंड कर दें मैं उसको अपने पास नोट डाउन कर लूँगी लेटर ले

ठीक है किसी भी सिस्टम की एनर्जीज को या एंथैल्पी को आप मेजर करते हैं डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीट्री में विद रेफरेंस टू अ स्टैंडर्ड मटेरियल ठीक है इनर्ट मटेरियल आपके पास कोई ना कोई होगा जिससे आप कंपेयर करके मेजर कर रहे होंगे और इसकी हमने दो टाइप्स डिस्कस की थी हीट फ्लक्स टीएससी और पावर कंपेंसेशन डीएससी हीट फ्लक्स डीएससी क्या है जल्दी बताओ मैम किसी हीट मटेरियल से ना हम उसको कनेक्ट कर देते हैं में तो उसका टेम्परेचर मेंटेन हो रहा होता है ठीक है अच्छा देखें हीट फ्लक्स जो होता है जब भी हम फ्लक्स का वर्ड यूज करते हैं दैट इज बेसिकली फॉर द फ्लोरेट ठीक है तो हीट फ्लक्स डी में हम किस तरह से करते हैं कि हम अपने रेफरेंस को और अपने सैम्पल को हीट प्रोवाइड करते हैं हमारे पास आइडियली uh, क्या होना चाहिए कि जो हमारा रेफरेंस मटेरियल है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए और जो सैंपल है उसका टेम्परेचर जो है वो टाइम जैसे जैसे हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए राइट अच्छा अब हम हीट इंथेरपी uh, को या हीट फ्लो को रिकॉर्ड uh, किस तरह से कर रहे हैं मेजर किस तरह से कर रहे हैं कि जब हमारे पास रेफरेंस और सैंपल आपस में कनेक्टेड हैं और दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है ठीक है तो इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से उसमें हीट फ्लो होगा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करेगी ठीक है तो इस जो फ्लो ऑफ हीट है, है हम इसको मेजर करते हैं जब हम फ्लो ऑफ हीट को मेजर कर रहे हैं दैट इज बेसिकली हीट फ्लक्स डी और पावर कंपेंसेशन डी क्या है जब पावर में हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो टेम्परेचर चेंज होता है लेकिन पावर डीएससी जो है उस चेंजेस को स्टॉप कर रहा होता है ठीक है जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं हमारा पर्पस क्या है कि आ, सैंपल का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करना चाहिए ठीक है बट सैंपल के टेम्परेचर को इंक्रीज होने से रोकने के लिए अच्छा हम स्टिमुलस uh, भी खुद ही दे रहे हैं और इस, उस स्टिमुलस को रोकने के लिए भी एनर्जी हम खुद ही प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है इसमें दोनों चीज़ें हम uh, हम हमारा ही सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है टेंपरेचर चेंजेस को स्टॉप करने के लिए जितनी हम एनर्जी लगाएंगे दैट विल टेलस के उसमें से एनर्जी रिलीज कितनी हुई तो दैट इज बेसिकली पावर कंपनसेशन डी दोनों जो है वो बहुत ही uh, अच्छी टेक्निक्स हैं और uh, दोनों ही इक्वली इफेक्टिव टेक्निक्स हैं ठीक है बस पावर कंपन डीएससी में क्योंकि हमारी ए, पावर और एनर्जी ज्यादा वेस्ट हो रही होती है तो इकोनॉमिकली अगर आप उसको देखें तो इकोनॉमिकली हीट फ्लक्स डीएससी इज अ बेटर टेक्निक अच्छा एक क्वेश्चन और है थर्मल कंडक्टिविटी हमने डिस्कस की थी थर्मल कंडक्टिविटी कौन कौन से फैक्टर्स से होती है मैम कंडक्शन बताया था uh, conduct, देखें हीट uh, ट्रांसफर के हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन इसमें से हम जो uh, थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडक्शन मेथड तो इस कंडक्शन मेथड में थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो किस फैक्ट कौन-कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ये इसका फार्मूला अमाउंट टेंस अमाउंट डिस्टेंस और एरिया सरफेस चेंज इन टेम्परेचर। एग्जैक्टली ये जो सारे हमने इसके फार्मूला में चीजें डिस्कस की हैं ना ये सारी की सारी इसके फैक्टर्स हैं एक्चुअली कि इन तमाम फैक्टर्स पे ये हीट ट्रांसफर डिपेंड करेगा ये थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी मैटर की डिपेंड करेगी ठीक है अच्छा एक क्वेश्चन और है हम्म इस ग्राफ को देखें आप लोग जरा इस ग्राफ में कुछ रीजन है ये वाला कौन सा रीजन है अह प्लैटियो हन प्लैटियो हॉरिजनल बॉर्डर स्लैटी रीजन है वेट लॉस नहीं हो रहा इधर जी ठीक है टेंपरेचर इंक्रीज हो रहा है बट वेट लॉस वेट नहीं, नहीं हो रहा इसमें नहीं हो रहा और जब वेट लॉस होता है तो फिर हम हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा कंपोनेंट इसमें से रिलीज हुआ है हाउ डू वी नो के वाटर क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हुआ है या गैस रिमूव हुई है कोई कैसे पता चलेगा हमें मैम वो तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक वाली ग्राफ में ग्राफ से पता चलेगा ना नहीं देखें कि... यहाँ पे इन्होंने ये जो रीजन हैं जो जहाँ पे फॉल हो रहा है वेट वहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि यहाँ पे वाटर लूज हुआ है इनको कैसे पता चला कि यहाँ पे वाटर लूज हुआ है पे हुआ है? नहीं, जो हमारा difference in आएगा ना, वो हम देखते हैं कि वो कौन से कंपोनेंट से करता है। आपने काफी पहले इंटर लेवल पे एम्पेरिकल और मोलिकुलर फार्मूला की डिटर्मिनेशन की होगी ना उसमें हम ये देखते हैं कि वेट जो मास इन ग्राम हमें गिवन है उससे हमें कैसे पता चलेगा कि कितना मॉलिकुलर वेट है किसी कॉम्पोनेट का ठीक है तो ये जो वेट लूज हुआ है mg, इससे हम पूरी कैलकुलेशन करते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो टू पॉइंट फोर सिक्स मिली गिर दैट इज एक्चुअली द वेट ऑफ वाटर ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपका जो सैंपल uh, है उसका टोटल जितना भी वेट था उसमें से 2.46 मिलीग्राम जब रिड्यूस हुआ जब उसमें से कम हुआ तो वो कोरिस्पोंड करेगा कि सम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स तो हम uh, अपना जो वेट डिफरेंस आएगा उसके थ्रू हम ये चीज कैलकुलेट करेंगे कि हमारा कौन सा कंपोनेंट इसमें से रिलीज हुआ है बेसिकली जो आप मिक्सचर्स uh, की स्टडी करते हैं इस मेथड के थ्रू वो वेट स्टडी के ऊपर ही बेस करती है ना तो टेम्परे वेट डिफरेंस आपको ये इन्फॉर्मेशन देगा ठीक है मैम अगर ये आप जैसे पेपर में देंगी तो हमें इसमें क्या मेंशन करना होगा मैं आपसे पेपर में ग्राफ के हवाले से क्वेश्चंस पूछूंगी ना कि यहाँ पे अगर लाइक like, uh, यहाँ पे टेंपरेचर अगर सॉरी uh, वेट अगर फॉल कर रहा है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है

कंपाउंड्स नहीं पूछूंगी वो तो बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है मैं जस्ट आपको बता रही थी कि ओवरऑल uh, uh, मतलब हम हम कंपोनेंट्स हमें पता किस तरह से चलते हैं वो जस्ट मैं आपको एक वर्बली बता रही थी एग्जाम में इसकी कैलकुलेशन तो नहीं दूंगी वो बहुत लंबी है ओके मैम ठीक है जस्ट ग्राफ ग्राफ को देख के आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है ना उसके बारे में पूछ सकती हूँ

टू टियर हो गए कोई चाहे बड़ी हो ये कंडनइजेशन था पे हो रही है प्लीज अपना म्यूट हाँ। कर दें ओके अब पूछो इसमें मैं कह रहा था जैसे हमारे पास हमने पोलेरोग्राफी में पढ़ा था कि यहाँ पे हम लोग वो एनालाइट यूज कर रहे होते हैं जो जिनमें रिड्यूसिंग और ऑक्सिडाइजिंग की कैपेसिटी होती है

रिडक्शन हो रही होगी और एक में ऑक्सीडेशन हो होगी दोनों प्रोसेसेस एक साथ हो रहे होते हैं लेकिन रिड्यूसेबल स्पीशीज सिर्फ हम उसी स्पीशी को कहेंगे जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा जो दूसरी होगी वो ऑक्सीडाइजेबल स्पीशी होगी ठीक है मैम एंड हमने कहा था कि यहाँ पे पोलियोग्राफी में वो यू एनालाइट्स यूज कर रहे हो या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हो रहा है लाइक हमने रेडोक्स की बात की थी इसी तरह मैम नॉन एक्वस जो है उनमें भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ही हो रहे होते वो पोलारोग्राफी में लिंक करते पोलारोग्राफी आई थिंक आप जो हो ना वो मिस्टेक uh, कर रहे हो uh, पोलेरोग्राफी और पोटेंशियोमेट्री को पर जो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन होती है ना

ऑक्सीडाइजेबल uh, स्पीशीज जो है वो हम इतनी ज्यादा कॉमनली यूज नहीं करते पोलारोग्राफी इज नॉट अ टाइट्रेशन मेथड ठीक है रिमेंबर इट पोलारोग्राफी इज अ डिफरेंट इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिटिकल मेथड इट इज नॉट अ टाइट्रेशन मेथड ओके ठीक है मैम ठीक है सही यस ओके एनी मोर क्वेश्चंस मैम आपने डीटी और डीएससी के तीन रेफरेंस बताए थे एल अल्यू, एलुमिना अल्फा एलुमिना और मैम तीसरा कौन सा था um, एक मिनट मुझे इसको दिस वन लेट मी मैम वो आपने खुद से बताया था मतलब जो आपने नोट्स सामने थे उसमें लिखा हुआ नहीं था अच्छा उसमें लिखा हुआ नहीं था मैं इसको, मैं आपने कुछ कैसल कर कुछ बताया था समझ नहीं आया था। कैसल, मैं, मैंने क्या बताया था। मैं इसको चेक करके ना उसकी स्पेलिंग अपलोड कर दूंगी ठीक है okay, okay. जी ठीक है लेकिन मोस्टली हम उसके अंदर एलुमिनिया ही यूज कर रहे होते हैं जी आपने बताया था कि हम वो आ, फाइब्रस नेचर का जो सैंपल होता है उसके लिए यूज करते हैं हम्म हम्म यस राइट मुझे याद आ गया लेकिन उसका स्क्रोलगर उसका नाम था आई थिंक आर यू एच एल जी ई आर के आर यू ठीक है जी और मैम आपने वीडियो में बताया था कि हमें इनकी सबकी जो इंस्ट्रूमेंट्स थे इनकी ब्लॉक डायग्राम्स करनी है तमाम इंस्ट्रूमेंट्स की नहीं जैसे फॉर एग्जांपल पोले पोले की मैंने आपको पूरी डायग्राम समझाई थी जो जो इंस्ट्रूमेंट्स मैंने आपको समझाए ना ब्लॉक डायग्राम्स में सिर्फ वही आपने करनी है है ठीक मैम आपने इससे इससे पीछे के तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स में डायग्राम समझाए थी लेकिन ये टीजीए डीटी डीटीए में इतना नहीं समझाया

फिर आपने आगे बोला था कि टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में तो टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होता ना इंक्रीज होता है सैंपल का टेम्परेचर किस वजह से बढ़ेगा बेसिकली जो हम टेम्परेचर नोट कर रहे हैं वो हम सैंपल का तो कर रहे हैं लेकिन हम जो रेफरेंस के जो हमारा रेफरेंस मटेरियल है ना उससे कंपेयर करके कर रहे हैं तो अगर एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है और मैं हीट प्रोवाइड कर रही हूँ सैंपल को भी और रेफरेंस को भी ठीक है तो जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है वो उसमें जो सैंपल का टेम्परेचर जो हीट एनर्जी है दैट इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सैंपल वो क्या करेगी वो जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है उसको कैरी आउट कराने के लिए यूटिलाइज हो रही होगी टेम्परेचर इंक्रीज वहाँ पे नहीं हो रहा होगा ठीक है इसी तरह से एक्सोथर्मिक में आपके पास क्या हो रहा है कि एक्सोथर्मिक में जो हीट रिलीज हो रही है उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है राइट ओके मैम ओके। मोर क्वेश्चन मैम वो एक चीज और uh -huh. अगर डी और डीएससी का इंस्ट्रूमेंटल डिफरेंस पूछा जाए तो हम इसमें सिर्फ ये लिखेंगे की डीएससी इन हैं। अच्छा मैंने आपको पहले भी बताया था कि डी टी ए और डीएससी जो है वो दोनों इंस्ट्रूमेंट्स सेम हो सकते हैं आपके जस्ट उसके अंदर एक में आप टेम्परेचर नोट डाउन कर रहे हैं आपको जस्ट एक थर्मामीटर की नीड है एक प्रिसाइज थर्मामीटर की और जो डीएससी है उसमें आपको हीट एनर्जी मेजर करनी है तो हीट एनर्जी मेजर करने के लिए आप उसके अंदर या तो हीट फ्लक्स का कंपोनेंट लगाएंगे या पावर कंपनसेशन का कॉम्पोनेंट लगाएंगे तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंटेशन का डिफरेंस है वो इतना ज्यादा नहीं है तो आई डोंट ठीक है ओके मैम बेसिकली उनका जो इंस्ट्रूमेंट है वो सेम होता है जस्ट उसमें कुछ माइनर कॉम्पोनेंट के डिफरेंसेस होते हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम एक ही इंस्ट्रूमेंट से आप टेम्परेचर भी नोट डाउन कर सकते हैं और उसकी हीट एंड एंडल्पी भी, भी ठीक है अटेंडेंस um, मार्क कर लिए सब लोगों ने यस मैम ओके थैंक यू क्लास